ब्रेक तो बाद मुड़ तो स्वागत है। रुक करेंगे अगली वड्डी खबर दा। थोड़ी देर बाद भारत भूषण आशु दा मेडिकल होवेगा दोपहर बाद लुधियाना कोर्ट विच अज पेशी है। ते विजिलेंस ने टेंडर घोटाले विच आशु नू गिरफ्तार किया है। आशु दे परिवारक मैंबर ते समर्थक विजिलेंस दफ्तर बाद पहुंचने शुरू हो चुके ने। परिवारक मैंबरां ने विजिलेंस की कार्रवाई से सवाल चुके ने। उन्होंने कहा सियासी बदलाखोरी ते आम आदमी पार्टी की सरकार उतरी है। बीते दिन जदों सैलून विच कटिंग करवाउण लई गए सन मंत्री आशु तां समय विजिलेंस अफसरां वल्लों उन्हां नूं हिरासत विच लिया गया ते उस तों बाद गिरफ्तारी की गई। परिवारक मैंबरां ने विजिलेंस की कार्रवाई ते सवाल चुके ने। उन्होंने सीधे तौर पर इस नूं सियासी बदलाखोरी करार दे दिता है। कुछ ही देर विच भारत भूषण आशु का मेडिकल होगा, उस तो बाद लुधियाना कोर्ट में अज पेश किया जाएगा। विजिलेंस ने टेंडर घोटाले में आशु को गिरफ्तार किया। आशु के परिवारक मैंबर से समर्थक विजिलेंस दफ्तर बाहर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। परिवारक मैंबर ने विजिलेंस की कार्रवाई से सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा सियासी बदलाखोरी से आम आदमी पार्टी की सरकार उतरी है। बीते दिन नाटकी ढंग वेखन मिलिया कांग्रेस वालों रोस जाहिर किया गया लगातार हो रही गिरफ्तारियां लेके। कांग्रेस के आगू नरेंद्र शर्मा काला जी जिहड़े कि भारत भूषण आशु उन्हां दे परिवारक मैंबर भी है, उन्होंने कजन ब्रदर ने साडे नाल ने। सर सब तो पहला तो किवें वेखदे हो जिहड़ी कार्रवाई हुई है विजिलेंस के वलों जिहड़ा आशु होरां नूं अरैसट किया गया बीती रात, किवें वेखदे हो? पहला सर गल ये है भी एक कपला तो कोई है ही नहीं सी, इह तां सिर्फ राजनीति तौर पर या अजकल जिहड़ी राजनीति का माड़ा अक्स चलिया होया है करैक्टर असैसीनेशन का, यह वो कार्रवाई हैगी। असी तो पहले दिन तो कह रहे जे साढ़े खिलाफ़ कोई चीज़ हैगी तो सानू दसो, असी जांच दे विच सहयोग करन दे विच हाजर हाँ। यही इन्नी देर की गल चल रही थी जे साढ़े खिलाफ़ इन्हों कुछ साढ़े खिलाफ़ लभ नहीं सी रहा, हार के एक नाल दे मुलजम दे उत्ते जिहड़ा कि कभी मत्थे नहीं लग्या, मुलजम दे कहण दे उत्ते इन्होंने नामजद किया। कभी अखबारों के आ रहा नामजद हो रहा, उच्च अधिकारी तक कह रहे थे भी नामजद नहीं किया गया, फिर कहते जी नामजद किया। तो कल जो अपनी कटिंग करा गए हैं तो उत्थे विजिलेंस फड़न जोड़े अणपछाते बंदे से, क्योंकि हर एक दे जोड़े लोकल एस एच ओ होंगे उन्होंने तो शकल पछाणते होंगे है। उपरे बंदे जोड़े पहली बार मिले है उन्होंने पूछा गया भी साढ़े कोई बयान की कापी कोई वरंट कोई किसी किस्म की एफ आई आर हो दबे, कहते साढ़े को कागजात नहीं है, कागजात नहीं दिते जी, फड़ ले उत्थे एम पी साहब पहुँच गए ने लिया के विजिलेंस दफ्तर ले आया, हूँ कल का गेट बंद है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾਸਾਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਟੇ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਟੇ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ भी कुछ समय की गल हैगी है, जड़े कोई प्रीख्या का टाइम है निकल जाऊगा तो सच का नितारा होगा, तो भारत भूषण उन्होंने पाक साफ होकर बाहर निकलन गए। नवी पीढ़ी को की सुनेहा देन जा रहे हो जे तुसी हर एक दे वल उंगल करके कह रहे हो वह भी चोर वह भी बेईमान वह भी चोर वह भी बेईमान, तो सच का नितारा किदां होगा? किसी भी पार्टी का कोई आगू हैगा चाहे अकाली दल है बीजेपी है कोई भी है, जो इस तरह की राजनीति करोगे तो की आम जनता से सुनेहा देंगे है, तो की उन्हों का अक्ष बनेगा भी किड़े देश सेवा वास्ते आते हैं? जिहड़ी पार्टी साढ़े ते केस कर रही है दिल्ली च इन्हां दे उत्ते सीबीआई कर रही है, इस करके जे उत्थे इन्हां नाल धक्का हो रहा है ये बदले की राजनीति करके, ये बदलाव नहीं है जी, ये तो बदलाखोरी की राजनीति है जी। भूषण आशु दे परिवारक मैंबर है वह भी आख रहे हैं कि उन्होंने जान माल की सिक्योरिटी लैके असी चिंतित है, जिस तरीके उन्हों की गिरफ्तारी की गई है, और यह भी आख्या जा रहा है कि बेशक ये प्रीख्या की कड़ी हैगी है, पर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के भारत भूषण आशु होरी जिहड़े है वह निर्दोष साबित होणगे, पाक साफ होकर निकलणगे। हालांकि विजिलेंस के वालों हुण अगले दी जिहड़ी कार्रवाई है वह अमल दे विच लियांदी जाणी है, मेडिकल होना उस तों बाद कोर्ट दे विच पेश कीता जाणा कि कुछ रिमांड मिलता है कि कुछ होर ताज़ा अपडेट होंगी वह भी तुहाडे नाल असीं जल्द साझी करांगे। फिलहाल दिल्ली मैनूं ते मेरे साथी जगरूप नूं दी इजाज़त। सुखो जी देर विच भारत भूषण आशु दा मेडिकल होवेगा। साडे सहयोगी पत्रस जुड़ गए ने। पत्रस बीते दिन कांग्रेस वालों पूरी कोशिश की गई कि उन्होंने अकॉर्डिंग गिरफ्तारी होवे विजिलेंस दफ्तर के बाहर, आप जाके कांग्रेस के जो आगू ने भारत भूषण आशु उत्थे पहुंचे वह गिरफ्तारी देन, पर विजिलेंस ने यह ध्यान विच नहीं रखा, विजिलेंस ने अपने अकॉर्डिंग एक्शन लिया। तो हुण कुछ ही देर विच
मेडिकल होगा कितनी देर तक पेशी होगी कितनी देर हुण मेडिकल होने च लगेगी। देखो नीलम इस वक्त असी उस दफ्तर के बाहर खड़े है विजिलेंस ब्यूरो के जिथे भारत भूषण आशु होर बीती रात का विजिलेंस अधिकारियों ने रखा होया तो इस दफ्तर के अंदरले पासे भारत भूषण आशु होरी है और बाहरले पासे उन्होंने समर्थक ने जिहड़े उन्होंने पार्टी के आगू साहबान ने जां कुछ उन्होंने परिवारक मैंबर ने वो इत्थे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि संभावनावां ये लगाईया जा रही सन सवेर तो कि 9-10 बजे के आसपास उन्होंने मैडिकल वास्ते ले जाया जा सकता है पर हाले तक कुछ भी जिहड़ा अधिकारिक तौर पर विजिलेंस के अधिकारियों वालों नहीं दसाया जा रहा कुछ भी इस बाबत जानकारी नहीं दी जा रही कि कदों उन्हों का मैडिकल कराया जाना। इन्ना जरूर जिहड़े विजिलेंस के सीनियर अफसर है उन्होंने दस्या सीगा कि 2 बजे के आसपास उन्होंने स्थानक कोर्ट के पेश किया जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कोर्ट में पेश करने तो पहले उन्हों का मैडिकल करवाना लाजमी है और कोर्ट में पेश करवाने तो पहले उन्होंने मैडिकल वास्ते सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सवेर के वेले यह भी खबर आई थी सूत्रों के हवाले नाल कि हो सकता है जिहड़ियां मैडिकल टीमां ने वो इस दफ्तर दे विच आ जाण इत्थे उन्हां दा मैडिकल किया जाए क्योंकि बीती रात भी काफ़ी हंगामे वाली स्थिति बनी सी वड्डी गिणती विच कांग्रेसी वर्कर जिहड़े आ उह इक इत्थे एकत्र हो गए सन तो अजिही स्थिति सिविल हॉस्पिटल दे आले दुआले ना बने शहर दे विच दुबारा एड्डा वड्डा इकट्ठ ना होवे तां उस नूं मद्देनज़र रखदिआं हो सकदा मैडिकल इत्थे करवा लिया जाए पर वो जिहड़ी गल है हाले तक वो भी क्लीयर नहीं हो पाई कि मैडिकल इत्थे होगा जां इन्हां नूं किन्ने वजे इत्थों लिजाया जाएगा। इन्ना जरूर पता लग्गिआ जो सानूं जानकारी मिली है कि बीती देर रात जो इस दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना चल रहा है तो दूसरे पास विजिलेंस अधिकारियों के वालों साबका मंत्री के घर की रेड की गई है उतों कुछ फाइलों भी जड़िया अपने जब्त की गई और यह भी पता लगे कि उन्होंने फाइलों की काफ़ी गंभीरता काफ़ी डूंगाई घोख की जाएगी कि उन्होंने फाइलों का इस मामले में कोई लेना देना है ज नहीं है वो बाद में सारा कुछ क्लीयर हो पाएगा। पर हाल की घड़ी भारत भूषण आशु जिहड़े कि साबका मंत्री है वो इस दफ्तर के बीती रात के हिरासत के ने और बाहर उन्होंने समर्थक जिहड़े है उन्होंने प्रशंसक है जिहड़े उन्होंने चुनाव वाले है वो इत्थे पहुँच रहे तो कुछ टीमां जिहड़ियां ने वो भी अंदर जांदियां जिहड़ियां दिखाई दे रही ने पर हाल की घड़ी ये कुछ नहीं दस्या जा रहा कि इस कंपलैक्स के साबका मंत्री मैडिकल वास्ते किन्ने बजे लिया जाएगा इस देते हुण सब दी नज़र बनी हुई ने बाहर परिवारक मैंबर भी इसे गल का इंतजार कर रहे हैं कि कदों इतों उन्होंने कढ़िया जाता क्योंकि कल शाम का हाले तक किसी को कुछ नहीं दस्या जा रहा कि कुछ अगे कार्रवाई जी है वो चल रही है। जी पत्रराज फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोपहर बाद लुधियाना कोर्ट में पेशी होगी उस तो पहला मैडिकल करवाया जाएगा। विजिलेंस ने टेंडर घोटाले में आशु को गिरफ्तार किया उस तो बाद कांग्रेसी आगुआं की कांग्रेसी वर्करां दी प्रोटेस्ट भी वेखण नूं मिलिया पर जदों गिरफ्तारी हो चुकी है तो इस तरह के प्रदर्शन करके जरूर